हम पीएच मीटर का कैलिब्रेशन कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने इसको ऑन कर लिया, ये ऑन हो गया, हमने कैलिब्रेशन मोड में लेके आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे बफर वन बोल रहा है, इसमें सबसे पहले इसको वॉश करेंगे। कपड़े से इसको पोंछेंगे, हम अब इसमें बफर वन सॉल्यूशन में इसको डिप करेंगे। देन एंटर कर देंगे, कुछ देर का वेट करेंगे। अभी पीएच 4.0 का कैलिब्रेशन चल रहा है। पीएच का हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब इस पे पीएच बफर 2 का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको निकालेंगे, पीएच 4 से निकाल के इसको पॉज करेंगे बढ़िया से। अब हम इलेक्ट्रोड को पीएच 7 में रखेंगे। ये देखो हमारा पीएच 7 है, पीएच 7 लिखा है इस पे साफ, और हम इस इलेक्ट्रोड को पीएच 7 में डिप करेंगे। पीएच 7 में डिप करने के बाद हमने एंटर प्रेस कर देना है, और ये हमारा देखो ये कैलिब्रेशन ऑटो कैलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। कुछ देर तक वेट करेंगे, इस पे बफर 3 लिख के आएगा, देन हम बफर 3 लगाएंगे। अब ये हमारा ऑटो 2 कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया है, इस पे बफर 3 आ रहा है। अब हम पीएस 7 को निकाल के बफर 10 को लगाएंगे। निकालने के बाद इसको वॉश करेंगे, टिश्यू पेपर से इसको हल्के हाथों से क्लीन करेंगे। ये हमारे पास पीएस 10 है, जिसको हम बफर 3 में यूज़ करेंगे। फिर इस इलेक्ट्रोड को बफर 3 में हम डिप कर देंगे, पूरा डिप कर देंगे। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारा बफर 3 कैलिब्रेशन ऑटो कैलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन सी हियर बफर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। अब हम मेजर पे क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं ये हमारा स्लोप है, ये हमारा स्लोप -57 MB रेशियो pH आया है, जो कि हमारा रॉन्ग है। तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा pH मीटर ख़राब है या हमारा इलेक्ट्रोड। ये 90 से ऊपर होना चाहिए।